हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? डियर, इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम स्पेशल वर्ड्स विच यूज टू कम वाइल स्पीकिंग. ठीक है, आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करने वाले हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और हम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट विच वर्ड्स शुड बी यूज टू स्पीक देम आउट, राइट? तो आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स सीखेंगे जो हमें हमारे कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग और ईजी बनाने में हमारा हेल्प करेंगे. तो चलिए देखते हैं वाट आई हैव फॉर यू. लेट्स गो अहेड. Yes, I hope you are able to get my audio and pictures very clearly. If any doubt is there, any problem is there, you can write in the comment section. Let's go ahead. Today, see. First word is, आपने सुना होगा कैसे हम जब हम बातें करते हैं, when we are speaking, जब हम हिंदी से या इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे प्रॉब्लम क्या आ जाती है वोकैब्स की. जैसे मैंने आपको बताया है, वोकैब्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच और पार्ट आप कह सकते हैं और थिंग कह सकते हैं, जो है वो वर्ड है, राइट? और इसलिए हमारी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, तो देन वी आर एबल टू स्पीक फास्ट, फ्लुएंट एंड विथ कॉन्फिडेंस. चलिए फिर देखते हैं. देखिए, पहला वर्ड क्या है? ऐसा वैसा. कभी कभी आप बोलते वक्त हिंदी में आ जाता ना कि ऐसी वैसी बातें मत करो ना, ठीक है, या फिर ऐसा ऐसा वैसा उसने कुछ बोला, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आया तो इसको बोलते हैं रिफ्रैप, RIFFRAFF, रिफ्रैप. ठीक है, जैसे उनके बारे में ऐसा वैसा मत बोलो ना, डोंट स्पीक रिफ्रैप अबाउट हिम. इसका आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल, सो उनके बारे में ऐसा वैसा मत बोलो, सो डोंट स्पीक रिफ्रैप अबाउट हिम. दूसरा वर्ड्स क्या है? देखो, एरा गहरा. एरा गहरा का मतलब कोई अदना सा, नो, अ पर्सन हैविंग नो वैल्यू. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं एरा गहरा. जैसे कि यार, आपको कोई भी एरा गहरा आके आप बोलते हो ना, आपको कोई भी एरा गहरा आके आपको कुछ बोल दे रहा है, मतलब कोई भी, इसमें जो व्यक्ति की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं हो, वहाँ क्या वो कुछ बोला, तो इस कंडीशन में एरा गहरा वर्ड्स हम यूज करते हैं. अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिक एंड हैरी. ठीक है, डिक एंड हैरी, DICK, डिक एंड हैरी, मतलब एरा गहरा. अब इसका यूज कैसे करें? अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो क्या होगा? जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने देखा कि कोई भी आके आपको ऐरा गहरा, या कोई भी आके आपको नो कुछ बोल के चला जाता है, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैव सीन दैट एनी डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी इज नो कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू और सेइंग समथिंग रॉन्ग. तो डिक एंड हैरी का मतलब ऐरा एंड गहरा. अब एक वर्ड आपने सुना होगा, ये बड़ा फ्रिक्वेंट आता है इंग्लिश हिंदी में जो हम बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन स्पीक इट, जैसे बे पेदी का लोटा. इसका मतलब अ पर्सन हैविंग अ पर्सन हु इज यू नो मूविंग इन एवरी यू नो ग्रुप, आप कह सकते हो. अगर दो ग्रुप बटा हुआ है, सपोज करिए, तो इस ग्रुप में भी है, उस ग्रुप में, वो दोनों जगह रहना चाहता है और ये भी चाहता है कि लोगों को पता भी ना चले, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? रोलिंग स्टोन. ऐसी चीज़ जो दो पार्ट, तीन पार्ट, अगर किसी भी चीज़ का तीन चार पार्ट कर दो तो उस सब में वो रहना चाहिए, उसको ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अ पर्सन रोलिंग स्टोन. जैसे कह सकते हो कि अमित इज रोलिंग स्टोन इन द मीटिंग. अमित इज अ रोलिंग स्टोन इन द मीटिंग का मतलब होता है कि ये, या इन द अमित जो है वो दोनों वो बेपेदी का लोटा है हम लोगों के बीच, ऐसे बोलो ना, मतलब अमित इज अ रोलिंग स्टोन बिटवीन अस, राइट? मतलब वो दोनों पार्टी में रहना चाहता है. तो समझ गए होंगे आई होप आप. अगला देखिए, बेकार की बात. बेकार की बात तो आपको पता ही है, नॉनसेंस टॉक. इसको क्या बोलते हैं? टॉक नॉनसेंस, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, फालतू बातें करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस. अगला देखते हैं, कुल मिलाकर. कुल मिलाकर का मतलब होता है जब आप कोई डिस्कशन कर लेते हैं तो ओवरऑल आप एक सम अप देते हैं, उसको क्या कहते हैं? सम एंड सब्सटेंस. उसको क्या बोलते हैं? सम एंड सब्सटेंस. ऐसे कुल मिलाकर मुझे पता है कि वो फेल हो गया, ठीक है. इट मीन्स द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द होल इज दैट गाय इज फेल. कोई है जो फेल हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ. रोहित इज फेल. सम एंड सब्सटेंस दैट रोहित इज फेल. ठीक है, तो कुल मिलाकर. आई होप दिस फाइव वर्ड यू हैव मेमोराइज्ड. लेट्स गो अहेड. आमने सामने को फेस टू फेस कहते हैं, दिस इज ईजी है. ठीक है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, दिस इज ऑल्सो ईजी. ठीक है, एवरीबडी, सब हर व्यक्ति के लाइफ में उतार चढ़ाव आता है. जैसे रोहित, आजकल रोहित के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, या हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. तो एवरीबडी फेस अप्स एंड डाउन. ठीक है, अगर हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? एवरीबडी फेस अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ.
देखो रोजाना या रोजमर्रा का कार्य, तो डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है ऑफिस जाना उसका रोज का काम है, तो इज डे टू डे वर्क इज टू गो ऑफिस, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। हार मान लेना, अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल टेल यू, राइट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट सेक्शन। हार मान लेना या त्याग देना, गिव अप, गिव अप एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उससे हार मान लेना, गिव अप। जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब तक तुम इंग्लिश सीख न लो तब तक हार मत मानो, डोंट गिव अप, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डोंट गिव अप अंटिल यू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। तो गिव अप का मतलब होता है हार मानना, लेकिन मैं अगर नॉट लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, हार ना मानना। सब मिलाकर या कुल मिलाकर, ऑल इन वन, ऑल इन वन, ये भी इजी है। तो चलते हैं थोड़ा आगे, राज को क्या बोलते हैं, सीक्रेट, ये तो आपको सबको पता है, हर व्यक्ति के पास, आप में सबके पास हजारों सीक्रेट्स हैं, तो आपको पता ही है, आप उसको छुपा के रखते हैं, दैट सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है राज। आपसी, आपसी का मतलब होता है म्यूचुअल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल, हम लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी, आपसी प्रेम कह सकते हैं, या आपसी समझदारी, आपसी समझदारी होनी चाहिए ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। शायद या हो सकता है को परहैप्स बोलते हैं, शायद वो आ जाए, परहैप्स ही में कम, शायद बारिश हो जाए, परहैप्स इट में रेन, शायद वो ठीक हो जाए, परहैप्स ही में गेट वेल, तो ये हो गया परहैप्स का यूज। सचमुच या वाकई, रियली या सच, रियली भी यूज करते हैं, सचमुच के लिए हम क्या यूज करते हैं, रियली भी यूज करते हैं, तो सच अ, सच अ भी यूज कर सकते हैं, या एंड रियली भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये कैसे रहेगा, ये कैसा रहेगा, या इसके बारे में क्या ख्याल है, जैसे आप कभी बात करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा ये काम करना कैसा रहेगा, या मार्केट जाना कैसा रहेगा, ठीक है, या फिर ये वाला कपड़ा खरीदना कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट दिस का प्रयोग करते हैं, क्या हाउ अबाउट दिस, ठीक है, हाउ अबाउट दिस का यूज करते हैं। तेज या नुकीला को शार्प बोलते हैं, इसका अपोजिट क्या होता है, ब्लंट, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई साइड सो दैट यू कैन गेट इट। अब शार्प का मतलब होता है तेज, अपोजिट होगा ब्लंट। अगला देखिए सभ्य, शिष्ट, विनम्र, कोई पोलाइट, सिविलाइज भी कह सकते हैं, यहाँ पे पोलाइट दिया है, इसका मतलब होता है सभ्य, शिष्ट, जैसे अभिषेक बहुत ही सभ्य बच्चा है, तो अभिषेक इज अ वेरी पोलाइट स्टूडेंट, ठीक। उचित, ठीक, सही, ये तीनों का मतलब होता है प्रॉपर। उम्मीद रखना, आशा रखना, होप करना, एक्सपेक्ट करना, तो होप यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, आप होप याद कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन का मतलब भी होता है आशा रखना, ठीक है। उम्मीद लाना या आशा रखना, देखो नीचे यहाँ पे दिया है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट दिया है, से एक्सपेक्टेशन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सत्यानाश। अब ये देखिए, ये बड़े फ्रिक्वेंट यूज होते हैं, दिस आर शार्ट, दिस और दीज आर द, ये जो हैं स्मॉल वर्ड्स हैं जो अपनी कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे सत्यानाश हो तुम्हारा बोलते हैं ना, सत्यानाश हो तुम्हारा, सिट, ठीक है, SISHIT, सिट का मतलब होता है सत्यानाश। सत्यानाश को दूसरे वर्ड में बोलते हैं डैम इट, गो टू हेल, ठीक है। एक वर्ड आप बोलते हो धत्तेरी की कम्युनिकेशन में, ओ सिट, जब कुछ इस तरह का हो जाए, ओ सिट, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जैसे आप क्या कर रहे हो, सपोज करो आप किचन, आप अपने फ्रीजर से मिठाई निकाल कर खा रहे हो, तभी कौन आ गया, मम्मी, और स्टिक के साथ, वो क्या हो गया, ओ सिट, अब तो पिटेंगे, ठीक है। या आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो और सोचा कि मम्मी आउट ऑफ है, अभी एक घंटे बाद आएंगी, और तो मम्मी सडनली वापस आ गई, और सी फाउंड दैट कि आप गेम खेल रहे हो, फिर वही हो गया, ओ सिट, मम्मी इज बैक, ठीक है, मम्मी वापस आ गई, मुझे लगता है, आई थिंक, हे भगवान, ओ माई गॉड। अब देखो जो ओ माई गॉड, अब यहाँ ओ लग गया तो पता है कैसा, ये एक्सप्रेशन आप सौरव का दे रहा है, ओ माई गॉड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओ माई गॉड, ठीक है। इसे ओ गॉड भी कह सकते हैं, हे भगवान, ओ भगवान। व्यर्थ में इन वेन, वेन का मतलब क्या होता है पता है, प्रोडक्ट, यूजलेस, जैसे वो उसने मेहनत तो की लेकिन वो सफल नहीं रहा, तो क्या होगा, ही वर्क हार्ड बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन का मतलब, ऑल इन वेन का मतलब कुछ उसको फायदा नहीं हुआ, वो फेल हो गया। जैसे देखिए आप इस, वो उसने मेहनत की और वो सफल नहीं रहा, इसका दो ट्रांसलेशन हो सकता है, एक तो ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट गेट सक्सेस, पहला तो ये हो गया, लेकिन दूसरे वाले में आप डिड नॉट गेट की जगह आप एक वर्ड पर रख दीजिए, ही वर्क हार्ड बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन का मतलब क्या हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया, मतलब कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिला।
अब तक को इंग्लिश में बोलते हैं शोफा, जैसे अब तक मैंने इंग्लिश के 15 वर्ड याद कर लिए हैं, ठीक। टिल नाउ आई हैव लर्न 15 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, ओके। शॉर्टकट, नज़दीक का रास्ता, आप शॉर्टकट लेते हैं और आप जो कहीं फंस जाते हैं तो आप शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। राइट नाउ, इसी समय, तत्काल। राइट नाउ, इसी समय, तत्काल। आगे देखते हैं, चलिए। बहुमत, मेजॉरिटी, ठीक है, आपने सुना होगा जब इलेक्शन होता है तो ये वर्ड बहुत ही ना बूम पे रहता है। बूम का मतलब बूम आ गया तो भी बता देता हूँ। बूम का मतलब होता है हाइक, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से थोड़ा चर्चा में हो, बर्निंग डिस्कशन में हो, तो उसको बूम बोलते हैं। अचानक से सडनली बहुत ही तेज़ी से फैल जाना, वाई नॉट, जैसे लोग कोविड गया था, बूम पे था, बहुत तेज़ी से फैल गया था। वाई नॉट को इंग्लिश की हिंदी, देखो क्यों नहीं की हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होती है, वाई नॉट। दायित्व या जिम्मेदारी को बोलते हैं लेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। निमंत्रण देना, इनवाइट करना, आप इनवाइट करते हो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना, गाइड करना, ठीक है। कास, आई विश, उदास होना, अपसेट, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व, ये सब ईजी हैं तो मैं थोड़ा स्पीडी ले रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल, अखबार या समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना, रिस्पॉन्स। अगला देखिए क्या है, खैर या वैसे भी, एनी वे बोलते हैं ना, जैसे कोई जब कोई डिस्कशन हो रहा हो उसके बाद आपको लगता है ठीक है छोड़ो यार, एनी वे कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरह बोलते हो, वहाँ पे एनी वे का यूज कर सकते हो, ठीक है। साफ साफ या खुला, फ्रैंकली, क्लियर, ठीक है। साफ साफ बताओ, जैसे बोलते हो ना आप, साफ साफ बताओ क्या मतलब है, टेल मी फ्रैंकली, ठीक है। अरे अब मैं समझ रहा हूँ, ओ आई सी, मतलब बहुत देर से कोई आपको सब कोई चीज़ समझाने समझा रहा हो, समझ नहीं पा रहे हो, बट नाउ यू गॉट द, आपको ओ आई सी अब समझ में आया। वैसे चलो, वैसे या चलो ये बताओ, बाय द वे, ठीक है, बाय द वे का यूज करते हैं। इत्तेफाक से या संयोग से या मान लो, बाय चांस, ठीक है। मुश्किल, मुश्किल से, हार्डली, जब कोई चीज़ ना रेयरली हो तो वहाँ पे हम हार्डली का प्रयोग करते हैं, जैसे मुश्किल से वह बस स्टेशन पहुँचा ही था, ठीक है, तो हार्डली ही रीच्ड टू द बस स्टेशन, असल में, वास्तव में, एक्चुअली, ठीक है, मूल रूप से, बेसिकली, खासतौर पर, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली। ऑनेस्टली, सच, जैसे आप कहते हो ना, ईमानदारी से बताओ, टेल मी ऑनेस्टली, ना एक कदम सही या सही या ठीक ठीक से, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और आपको इनको याद करना है, ठीक है। तो दैट्स इट डियर, इन दिस वीडियो आई होप यू हैव गॉट सम न्यू वर्ड्स एंड यू विल डेफिनेटली यूज इट, आप इसको यूज करें अपनी कम्युनिकेशन में। एंड वन मोर थिंग इज दैट आई हैव स्टार्टेड 90-day स्पोकन इंग्लिश क्लास, इफ यू वॉन्ट टू इनरोल इन दैट, यू कैन इनरोल इन दैट, एंड आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को फ्रैंक, फ्लुएंट और फास्ट बना सकते हैं आफ्टर इनलोडिंग। तो गो इन माई चैनल, यू विल गेट इन द प्ले लिस्ट, लिंक इज गिवन देयर, एंड आई एम जस्ट अपलोडिंग द लिंक बिलो दिस वीडियो ऑल्सो, यू कैन क्लिक ऑन द इन द डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप रजिस्टर करें एंड ज्वाइन द क्लास एंड मास्टर योर लैंग्वेज, मास्टर इंग्लिश कम्युनिकेशन, ओवरकम ऑल द डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी पर डे, वन क्लास विल बी देयर एंड संडे देयर विल बी ग्रुप डिस्कशन, तो आपको एक इंग्लिश एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप सीख पाएंगे सुपर फास्ट, ओके। तो थैंक यू सो मच माय डियर, गुड लक एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड, गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट notification of my every